एक सीटी मारना चाहती हूँ, प्लीज मार। हाँ मारो ना। एक दोस्त मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने कमेंट करा कि भाई आपके बारे में और आपके जैसे और भी जो लोग हैं उन लोगों के बारे में कि ऐसे जो लोग होते हैं ना इनका मोटिवेशन ड्रग्स की तरह ट्रीट करता है, इस पे आपका क्या कहना है कि बाकी नहीं चरस है जी, मेरी बातों में सब चरस है, मेरा किसी बात पर कोई कहना ही नहीं है, मैं तो एग्री कर जाता हूँ बड़ी जल्दी। अगर आप में से किसी के पास में कोई ऐसा टॉपिक है जो आज से पहले मैंने टच नहीं किया है तो आप अपना हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। बताइए जी, कौन है जो बोलना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं एक जगह जॉब कर रही हूँ, मेरा उस जॉब में मन नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स होती है और काम को अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता और बर्डन हर दिन रहता है, बट जो मुझे करना है वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, कुछ फैमिली सिचुएशन ठीक नहीं है इस वजह से। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे काफी सारे हाथ ऊपर आ गए आपके। थैंक यू। ये सब बातें जो आप कर रहे हो वो सब कैमरे में शेयर करना चाहते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, माय क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू हर क्वेश्चन व्हाटएवर शी आस्क्ड, एंड आई एम आस्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अ गर्ल, शी इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन व्हाटएवर शी इज गोइंग नाउ राइट नाउ। And why I'm asking this, because there should not be any such kind of mental pressure from family side or from other side as well on her to stop her job, to sit at home, to get married. So it should not be like this. ध्यान से समझने की कोशिश करना जो बात ये कह रहे हैं, ऐसे ही हम सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, but this should not happen. This is how it is, but this should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लाइफ में कुछ भी ढंग का करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये समझना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड नेवर से दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि वो तो हो रहा है। द मोमेंट यू से दिस शुड नॉट हैपन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, बिल्ली की फितरत क्या है? चूहे को खाना। तो आपको ये नहीं बोलना दिस शुड नॉट हैपन, वो चूहे को खाती है। अब अगर आप चूहे हो तो आपको क्या करना है? रोना नहीं बैठ करके कि दिस शुड नॉट हैपन, क्योंकि बिल्ली के लिए तो सही है ना। ऐसे ही आपके पेरेंट्स, उनका जो बेसिक नेचर है वो है, अगर उनकी जगह आप होते और बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग भी बिल्कुल वैसी ही होती जैसे उनकी हुई है, आपकी भी लाइफ के वही एक्सपीरियंसेस होते जो उनके हैं, तो क्या आप भी वही नहीं कर रहे होते? एग्जैक्टली वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहली जो चीज समझनी है लाइफ में कुछ भी ढंग का करने की, वो ये है कि हमको इस दुनिया को नहीं बदलना है, दुनिया को समझ लेना है। साइंस दुनिया को नहीं बदलती है, ध्यान से समझना ये बात जो मैं कह रहा हूं। लॉ ऑफ ग्रेविटी को बदलती नहीं है साइंस, बदल सकती नहीं है साइंस, सिर्फ समझती है और उसके हिसाब से एक्ट करती है। अगर साइंस भी ऐसे बोले दिस शुड नॉट हैपन, स्पेसशिप है या रॉकेट है वो टेक ऑफ करे तो नीचे नहीं आना चाहिए, दिस शुड नॉट हैपन, तो क्या होगा? ग्रो कर पाएगी साइंस? नो सर। आगे बढ़ पाएगी? नो। कोई भी आगे डिस्कवरीज हो पाएंगी? वहीं पर साइंस खत्म हो जाएगी। द एंड ऑफ साइंस, the end of discoveries, the end of growth, है कि नहीं? मुझे दिखता है कि जो करना चाहती है वो करती है, बहुत परफेक्ट है, बट फिर भी वो सपोर्ट नहीं करती। वो सपोर्ट नहीं करते किस चीज के लिए? मतलब आपको खाना बना करके नहीं देते? खाना तो देते हैं, प्यार भी करते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ अपना करना चाहते हो, वो भी वो जो उनको समझ नहीं आता है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो उनको समझ आता है तो सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं? ऑब्वियसली करते हैं। जो उनको समझ आता है अगर वही आप करना चाहो तो 100% सपोर्ट करेंगे। जैसे उनको क्या समझ आता है कि हाँ ये एज हो गई है, इस एज में शादी कर लेनी चाहिए, उनको समझ आता है, वो सपोर्ट करेंगे या मना करेंगे? खुश हो जाएंगे, लड्डू बांटेंगे शादी होने से पहले ही। अरे मान गई मान गई मान गई मान गई, तो सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट? वो चाहते हैं आप जॉब करते रहो, आप जॉब ही करते रहो। वो चाहते हैं जॉब में आपका इंक्रीमेंट हो जाए, खुश होंगे नहीं होंगे? सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? पूरी दुनिया में डिनोरे पीटेंगे कि देखो मेरी बेटी। पर जैसे ही आप कुछ भी ऐसा करने का सोचोगे जो उनकी सोच से, उनकी समझ से अलग है तो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या आप भी ऐसे नहीं हो? अपने आप से सच बोलो। मैं सबकी तरफ इशारा करता हूं, इनकी तरफ नहीं, सबकी तरफ इशारा करता हूं। हर एक की अपने कोई ना कोई सोच होती है, कुछ समझ होती है, ये करना सही है। कोई और आकर के आपको कहेगा नहीं नहीं ये कर लो जो मुझे सही लगता है, करोगे क्या? चाहे वो आपके लिए एक्चुअल में सही हो, करोगे क्या? ना जी, वही करोगे ना जो आपको सही लगता है, जो आपको समझ आता है।
तो वो अपनी तरफ से बिल्कुल वही उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं जो उन्हें आपके लिए और खुद के लिए सही लगता है, जिसमें आप सेफ रहो, सिक्योर रहो। वो पहले आपकी सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। ग्रोथ के साथ में रिस्क भी आता है, बट क्या वो रिस्क आप लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते, क्योंकि जिनको करना होता है वो कर देते हैं, वो पूछते थोड़े हैं। जो भी आप करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी ये फैमिली है, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, वहाँ से जो पैसा आता है उसकी वजह से घर के खर्चे चल रहे हैं, मेरा छोटा भाई है, बहन है, उसके स्कूल की या कॉलेज की फीस चल रही है, यही सब होते हैं ना बातें। जैसे ही मैं अपना कुछ भी करने के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, उस सबका क्या होगा? तो आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसा ना हो, उसका क्या होगा? वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। कितनी बड़ी प्रॉब्लम? बहुत मेजर प्रॉब्लम आएगी भाई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? अब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, हम रियलिटी के बेस पे बात कर रहे हैं। आप कहते हो कि मैं वो जॉब छोड़ दूंगी या जॉब छोड़ दूंगा, तो क्या करोगे? कुछ और करोगे? वहां से एकदम से पैसा आने लग जाएगा? नहीं आएगा। बट रेंट तो एकदम से देना है ना घर का, वो तो आकर के खड़ा हो जाएगा आपके दरवाजे पे। तो महीना हो गया, निकालो पैसे। वैसे तो मेरे पर नहीं है जी, मैंने जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मेरा सपना है। वो तेरा सपना है, मेरे पैसे दे मेरे को भाई, मुझे क्या मतलब है तेरे सपने से? ये अजीब तो नहीं लग रहा सुनने में? रियलिटी है, पहले रियलिटी को समझना होता है। आप क्या कह रहे हो? जॉब में प्रॉब्लम है? डेफिनेटली है। अब आप क्या इमेजिन कर रहे हो कि बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है? करके देखो करके देखो ना, तब पता लगेगा। दोनों जगह पे प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह की है। आप समझ गए? मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप रेगिस्तान में खो गए हो और एक तरफ से आप समुद्र में खो गए हो। तो आप कह रहे हो काश मैं समुद्र में नहीं खोता, रेगिस्तान में खोता। तो कहीं भी खोए, दोनों जगह खोया पड़ा है। तो अपना काम करने का जैसे ही सोचोगे, वहां पे अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी काम करोगे वहां पे क्रेडिट का पंगा आ जाता है। जिसके भी पास जाओगे अपना कुछ भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो कहेगा हाँ भैया उधार दे दे, पैसे डूब जाते हैं, खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं, कमाइयां बढ़ती नहीं है, तो जो होता है वो भी सब खत्म हो जाता है। ये सब रियलिटी है। पहले इस रियलिटी को समझा जाता है, फिर एक्ट किया जाता है। जिसको हम नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग समझते हैं, वो बेवकूफों वाली बातें हैं। हम पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या समझते हैं? कि मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मुझे जल्दी से चार्ज अप कर दो ये करने के लिए, मैं मोटिवेट हो जाऊं और मैं वो करूं और मेरे को सक्सेस मिल जाए। इसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, इसको फूलिश थिंकिंग बोलेंगे। और नेगेटिव थिंकिंग हम क्या बोलते हैं? कि मैं ये करना चाहता हूं लेकिन मेरे मन में ना बार बार थॉट्स आते हैं कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये नेगेटिव थिंकिंग है, ये प्रैक्टिकल थिंकिंग है। कि मैं आसमान से छलांग लगाना चाहता हूं लेकिन अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? भाई तू गिरेगा ही, पैराशूट कहां है? वो क्या होता है पैराशूट? पहली बार सुना है उसके बारे में। ऐसी भी कोई चीज होती है? वो भी दो लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली कि अगर एक ना खुले तो क्या करोगे? तो बैकअप प्लान क्या है आपका? इफ यू आर सेइंग मेरे को अपना कुछ करना है, और अगर वो एक्चुअल में बैकअप प्लान है, तगड़ा फुल प्रूफ कोई बैकअप प्लान है, आपके घर वाले पूछते हैं और आप उनको एग्जैक्टली बताते हो, देखो ये मेरा बैकअप प्लान है कि मैं अपना ये छोड़ करके अगले 3 महीने तक अपना ये ट्राई करने वाली हूं, अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो यहां से 20,000 रुपए आ रहे थे, 60,000 रुपए मैंने जोड़ रखे, ये लो। समझे? इसको बैकअप प्लान बोलते हैं। अब उस 3 महीने में जो आपको करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, वो कहां से आएगा? अच्छा, उसके लिए मैंने 20,000 अलग से जोड़ा हुआ था अपने दूसरे लॉकर में, आपको नहीं पता इसके बारे में। होते हैं ना ऐसे कुछ लॉकर्स होते हैं हमारे? हाँ हाँ जी, खूबिया लोगो। वो 20,000 रुपए वहां से आएंगे, ये 60,000 रुपए ये रहे आपके। अब मस्त रहो, अब टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ तो लाइफ ऐसी ही चलेगी जैसे चल रही थी। अब वो मना करेंगे? नहीं। अब वो मना कर सकते हैं? नहीं। बट हम ऐसे नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं एकदम से हमको स्टेप उठा लें। हम पाना सब कुछ चाहते हैं, खोना कुछ भी नहीं चाहते हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस हम नहीं समझते हैं, हम प्लानिंग को नेगेटिव थिंकिंग समझ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी करते हो, जैसे कोई भी अपना काम करते हो, वहां का सबसे पहला स्टेप पता है क्या होता है? कि फेल हो गया तो क्या होगा? अब आपको कैसे देखना है फेलियर रेट? ये नहीं कि इमेजिन करते रहना है कि नहीं 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 पूरी दुनिया फेल हो रही है इस काम में, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर वो है। एनर्जी से क्या होता है?
बहुत लोग बहुत फड़फड़ा करके कुछ काम करते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ तो भरोसा भी नहीं होता। दो तरह के भरोसे होते हैं, जो आपने भरोसा वर्ड यूज किया ना, पहले भरोसे को भी समझो। हम बोलते हैं खुद पे भरोसा। खुद पे भरोसे का मतलब हम क्या समझते हैं, मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा, मुझे भरोसा है तो तो भरोसा इज बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग। आप कहते हो मुझे भरोसा है कि मैं गाड़ी चला लूंगा, किस बेस पे? मुझे गाड़ी चलानी आती है, सिंपल, मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। और दूसरे क्या है, ऐसे ही एक्साइटेड हो जाते हैं, यार इसमें क्या है, गाड़ी चलाने में क्या है, स्टीयरिंग की तो है, ठोक देंगे ले जा करके। उसके बाद दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं होगी गाड़ी को हाथ भी लगाने की। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता। गाड़ी के नाम से डरेंगे, ऐसे ही बिजनेस में नहीं होता है लोगों के साथ। एक्साइटमेंट में कोई भी स्टेप उठा लेते हैं बिना सोचे समझे, फिर चारों तरफ से पिस जाते हैं। ना तो बिजनेस चल रहा है, इधर से घर वाले परेशान, इधर से रेंट की टेंशन, इधर से खाने पीने की टेंशन, और हर तरफ से आकर के पिस गए। ऐसा होता है लोगों के साथ में? नहीं होता है। फिर भरोसा तो टूट जाता है सर, भरोसा हमेशा के लिए टूट जाता है। अब कहां गया उस बंदे का भरोसा? ये क्या, उसने आराम से प्लान करके ठंडे दिमाग से स्टेप उठाया। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, कभी ध्यान से आप लोगों ने सुना हो, लाइफ में हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। अभी आपका एक सिस्टम बना हुआ है ना, पूरा महीने का एक प्लान बना हुआ है, तो ये नहीं कि एकदम से उस प्लान को ही आप छेड़ दोगे। जैसे ही आप कुछ शुरू करते हो तो सब अगेंस्ट होते हैं, वो भी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो अगेंस्ट नहीं होते हैं, जो उनको समझ आएगा। उनको कब समझ आएगा, जब आपको समझ आएगा। बट हम इस समझ पे कभी काम नहीं करते, समझने में टाइम लगता है, समझने में ठहरना पड़ता है। जब आप जो भी करना चाहते हो उसको अच्छे से समझ जाते हो ना, तो वहां पर एक कमाल का कॉन्फिडेंस होता है। वहां पर आप अपनी आंखों में आप सामने वाले को बोल सकते हो, मैंने सब सोच लिया, आप टेंशन मत करो, सब सेट है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कहेंगे क्यों नहीं है, ये देखो ये है। अब वो कहेंगे ये हो गया तो ये है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, ये है, और बताओ इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, कहता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।